ताकि ये दिन देखना नहीं पड़ता साथियों, ये दिन देखना नहीं पड़ता। इसलिए साथियों संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए, अपने लिए नहीं अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़िए। साथियों अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़िए। और दूसरा दोषी कौन? दूसरा दोषी आप और हम है कि हम अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष नहीं किया, लड़ाई नहीं लड़ा। काश अगर हम 30-40 साल पहले लड़ाई लड़ते ताकि ये दिन देखना नहीं पड़ता साथियों, ये दिन देखना नहीं पड़ता। इसलिए साथियों संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए, अपने लिए नहीं अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़िए। साथियों अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़िए। आज मुझे देखिए, आज इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं, मैं संघर्ष बदौलत पहुंचा हूं। मैं कोई रतन टाटा या अंबानी के घर में जन्म नहीं लिया, मैं भी साधारण परिवार में जन्म लिया, जहां पे पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे घर परिवार में मेरा जन्म हुआ, जहां अगर एक रोज मछली ना मारे तो दूसरे रोज घर पे खाना कैसे बनेगा, उसके लिए समस्या था। लेकिन मैंने 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर बंबई जैसे शहर गया, मेहनत किया, संघर्ष किया, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था, लेकिन संघर्ष की बदौलत बंबई जैसे शहर में कामयाबी का झंडा गाड़ा, बेहतर जिंदगी जीने लगा। फिर मैं मुड़ के देखा तो लोग तो चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन मैंने देखा कि हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। फिर मैंने बंबई के ऐसो आराम जिंदगी को छोड़कर आपके हक अधिकार के लिए पिछले 10 सालों से मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। साथियों ये बात अलग है कि 10 सालों में हमने आरक्षण नहीं ले पाया, लेकिन बिहार में 10 सालों में हमने कम उपलब्धि हासिल नहीं किया। कल तक निशांत का बेटा को, मल्ला को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। आज बिहार ही नहीं पूरे देश के लोग जानने पहचानने लगा। साथियों ये आपका और हमारा एक ताकत है। साथियों कल तक निशांत का बेटा एक टिकट मांगने के लिए दूसरे पार्टी के पीछे घूम घूम कर अपनी सारी जिंदगी बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था, लेकिन आज निशांत का बेटा टिकट मांगता नहीं है, टिकट बांटता है। ये हमारी ताकत है साथियों, ये हमारी पहचान है। इसलिए साथियों आपने देखा 2020 में आपके सहयोग से 4 विधायक हमने बनाया, अपने दम पर बिहार का मंत्री बना, आजाद भारत में पहली बार एक निशांत का मल्ला का बेटा के सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री बना। साथियों बिहार में मुख्यमंत्री बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं बनते। तो ये साथियों ये हमारी उपलब्धि है। कल तक निषाद को कोई जानता नहीं था, लोग को लगता था कि निषाद मल्ला का मतलब होता है सिर्फ मछली मारना। हमने बिहार को बताया कि निषाद का मतलब ये नहीं है, मल्ला का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मछली मारना, निषाद का मल्ला का बेटा बिहार का नेतृत्व भी कर सकता। हमने बिहार को दिखा दिया। हम 4 विधायक बनाए और मजबूती से अपने लोगों के लिए काम कर रहा था, लेकिन आपको तो पता ही होगा आपके गांव में भी ऐसे लोग मिल जाते होंगे। अगर आपके गांव में कोई तरक्की करता होगा तो दूसरे लोग चल को जलन होता है और उसको टंगड़ी पकड़ के खींच देता है। उसी तरीके से उन लोगों को अच्छा नहीं लगा जिन लोगों ने हमारे बाप दादा को हजारों साल से गुलाम बना के रखा था, उनको अच्छा नहीं लगा। वो देखा कि मुकेश सहनी बिहार का मंत्री बन गया है, ये सोया हुआ समाज को जगा रहा है, ये जो कल तक हमारे पैरों तले कुचला हुआ करता था आज मालिक कैसे बन गया, कल तक जो गुलाम था वो हमारी बराबरी कैसे कर रहा है। उन्होंने षड्यंत्र के तहत आपका विधायक खरीद लिया, आपको मंत्रिमंडल से बाहर करवा दिया। उसको मुझसे तकलीफ नहीं था, उनको आपसे तकलीफ था। वो देखा कि सोया हुआ निशा समाज है, ये जिस रोज जग जाएगा उस रोज अकेले अपने दम पर लालू जी के जैसे सरकार बना लेगा। इसको झोंको, इसको रोको। आज तो 4 विधायक बनाया, कल 40 बनाएगा और एक समय आएगा 125 बनाकर बिहार में सरकार बनाएगा। फिर तुम किसको गुलाम बनाओगे?
वो एक शरीयत के तहत वो आपको गुलाम बनाना चाहता है। ये निर्णय आपको लेना है कि आपको आजाद भारत में गुलाम बन के रहना है या मालिक बनना है। ये निर्णय आपको लेना है साथियों, ये निर्णय आपको लेना है, ये निर्णय आपको लेना है कि जितने कष्ट के साथ आज आप जिंदगी जिए हैं, क्या आपके आने वाला बच्चा ऐसी जिंदगी जिए। ये निर्णय आपको लेना है कि वह सर उठा के जिए या गुलामी के जैसे जिंदगी जिए। ये निर्णय आपको लेना है। इसलिए साथियों आज देखिए, आज चार एक महीने के बाद ठंड आ जाएगा, दिसंबर का महीना, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन उसी जगह पे आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति घर से बाहर निकलेगा ठंड में, गंगा जी में उतरेगा, झील में उतरेगा, तालाब में उतरेगा, फिर मछली मारेगा, फिर बाजार में बेचेगा, तब उसके घर में चूल्हा जलेगा साथियों, तब उसके घर में चूल्हा जलेगा। आप बताइए कितना मजबूर आप माँ बाप है। जैसे औरों के बच्चे घर में जिंदगी जीता अच्छा, वैसे आपके बच्चे की जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है। नहीं, उनको भी अधिकार है अच्छा जिंदगी जीने के लिए, लेकिन उसके लिए कौन लड़ेगा? उसके लिए तो आप ही को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं लड़िएगा तो कौन लड़ेगा? आज आपने देखा ना, लालू प्रसाद यादव जी, रामविलास पासवान जी, मुलायम सिंह यादव जी, इन लोगों ने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया, और विरासत में देखिए पॉलिटिकल पार्टी दे दिया। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मेहनत करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट डिप्टी सीएम बन गया। आज अगर काश अगर हमारे बाप दादा भी इतनी बड़ी पार्टी बना के दिया रहता, आज हमको इतना परेशानी नहीं उठाना पड़ता, हम भी डिप्टी सीएम बन गए रहते। लेकिन आज अगर हम संघर्ष करेंगे, हम एक पॉलिटिकल पार्टी विरासत में हम अपने आने वाला पीढ़ी को देंगे, तो उसको इतना परेशानी का सामना नहीं।